हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस से डॉक्टर रोहित शर्मा। ये वीडियो भी उस वीडियो सीरीज़ की है जो डेंटल असिस्टेंट को ट्रेन करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उन असेंशियल टर्म्स की जो एक कैप एंड ब्रिज वर्क के अंदर लैब्स के साथ कम्युनिकेट करने के अंदर हमारी मदद करती है। तो पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कैप और ब्रिज क्या है। इसमें एक कैप या क्राउन इस दांत के ऊपर लगाया जाएगा। अगर ये सिंगल दांत को रेस्टोर करने के अंदर काम आता है तो इसको डेंटल कैप या क्राउन कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब ये दांत या तो टूट जाए या आरसीटी करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ जाए, या और को बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उससे एक डेंटल टेक्नीशियन और डेंटल असिस्टेंट को कोई मतलब नहीं है। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर सिंगल कैप लगनी चाहिए या ब्रिज लगना चाहिए। दूसरी जो टर्म है वो है होती है हमारी ब्रिज। ब्रिज ज़्यादातर तब लगाया जाता है जब कोई दांत ना हो। जैसे इस फोटोग्राफ के अंदर ये वाले दो दांत नहीं हैं। इन दो दांत को लगाने के लिए टेक्नीशियन ने लैब से बनकर चार दांत आए हैं, जो 1, 2, 3, 4, ये 4 कैप्स हैं। और अगर ये जुड़ जाए तो उसको ब्रिज कहते हैं। यानी ऐसे 3 कैप या उससे ज़्यादा जो आपस में जुड़ी हुई हों उनको ब्रिज कहेंगे। जैसे ब्रिज के अंदर पिलर होते हैं, तो ये जो असली दो दांत हैं हमारे, ये पिलर का काम करेंगे और ऊपर से ये पुल को हम चिपका देंगे मुंह में। अब जो ये कैप होती है, ये कई तरीके से हो सकती है। जैसे पहली जो बेसिक कैप है वो होती है मेटल। यानी जो कैप है वो मेटल्स की स्टील के कलर की बनी होगी, लेकिन क्योंकि स्टील देखने में अच्छा नहीं लगता तो उसके बाद एडवांसमेंट हुई और बकल फेसिंग कैप बनने लगी। इसका क्या मतलब है कि जो दांत का हिस्सा दिखना वाला है उसके ऊपर ही दांत के कलर की लेयर है और पीछे की तरफ नहीं है। जो दांत के कलर की लेयर होती है उस वो ज़्यादातर पोर्सलिन से बनी होती है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने में नहीं होती। इसलिए और एडवांसमेंट हुई और फिर कैप्स आई PFM, यानी पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। यानी अंदर तो मेटल है और उसके चारों तरफ दांत के कलर की लेयर है। लेकिन इस कैप के अंदर एक घाटा ये था कि दांत के कलर लेयर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी उसकी लुक्स नहीं आती थी। तो और एडवांसमेंट होने के बाद आज के टाइम के अंदर मेटल फ्री कैप्स भी लगती हैं, यानी अंदर मेटल है ही नहीं, ये टोटल ही दांत के कलर की लेयर से बना होता है। अब जो ये मेटल फ्री कैप्स है, ये 2-3 तरीके की हो सकती है। जैसे एक होता है लेयर्ड कैप और एक होता है मोनोलिथ कैप। ये जो लेयर्ड कैप है इसका क्या मतलब है, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो ये इस टिप के ऊपर और कोई कलर है, यहाँ पे और कोई कलर है, यहाँ पे और कोई कलर है, और बिल्कुल नीचे और कोई कलर है। यानी अगर आप शीशे के अंदर भी अपना दांत को देखेंगे तो टिप के ऊपर और कोई कलर होगा, बीचों बीच और कोई कलर होगा, और ये यहाँ पे और कोई कलर होगा। इसको बिल्कुल नेचुरली बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ किया गया एक ही कैप के अंदर अलग अलग कलर का, ताकि एक नेचुरल अपीयरेंस आ सके। तो इसको हम लेयर्ड कैप कहते हैं। लेकिन अगर मानो एक ही मटेरियल से पूरी की पूरी कैप बना दी जाए तो उसको मोनोलिथ कैप कहते हैं। अगर इस कैप को आप देखो, इस जगह से भी ये सेम कलर है, इस जगह से भी है और इस जगह से भी ये ऑलमोस्ट सेम कलर है, तो इसमें कोई डिफरेंस कलर का नहीं है, तो इसको हम मोनोलिथ कैप कहते हैं। यानी सिंगल लेयर के अंदर कैप बनाना। ये तो क्या मेटल फ्री की भी किन 2 तरीके से बन सकती है। डिफरेंट लेयर से भी बन सकती है ताकि एक नेचुरल और सुंदर कैप बने, और दूसरी बन सकती है मोनोलिथ कैप, यानी एक ही लेयर से बन सकती है। मोनोलिथ कैप ज़्यादातर पीछे के दांतों पे दी जाती है जहाँ पे इतनी अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आगे का दांत है तो मल्टी लेयर्ड कैप दी जाती है ताकि एक नेचुरल अपीयरेंस आ सके। अब अगर मानो मेटल फ्री कैप ज़्यादातर 2 मटेरियल से बन सकती है, बन तो और भी बहुत सारे मटेरियल से रह सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो चलने वाले जो 2 मटेरियल हैं वो ईमैक्स है और जिरकोनिया है। जो ईमैक्स है वो वीक है और जो जिरकोनिया वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये वीक होने के बाद भी क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दांत के साथ बॉन्ड हो जाता है। ये अगर एक बार दांत से चिपक जाए तो वो दांत का हिस्सा हो जाता है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं होता जिरकोनिया। और एक डिफरेंस और है कि जो ईमैक्स है वो ज़्यादा सुंदर है। अब कैप ईमैक्स की बनवानी है, जिरकोनिया की बनवानी है, ये एक डॉक्टर का डिसीजन है। इसके अंदर एक असिस्टेंट और एक टेक्नीशियन उसका कोई रोल नहीं होता है। अब यानी ईमैक्स कैप और जिरकोनिया, ये दोनों कैप ही लेयर्ड भी हो सकती हैं और मोनोलिथ भी हो सकती हैं।
मानो मतलब ईमैक्स ही मटेरियल है और अगर उसको सिंगल लेयर में अगर पूरी कैप बना दी गई तो मोनोलिथ, और अगर मानो उसकी अलग अलग कलर के ईमैक्स मटेरियल से कैप बनाई गई है तो लेयर्ड, ऐसे जिरकोनिया। अगर सिंगल लेयर से कैप बना दी है तो मोनोलिथ, और अगर मानो अलग अलग लेयर से बनाई है तो लेयर्ड। जिरकोनिया की कैप बनाते वक्त और भी एक चीज़ ध्यान में आप रख सकते हो कि ये नॉर्मल टेक्नीशियन उसको नहीं बना सकता, इसके लिए कंप्यूटर जरूर चाहिए होता है, और कंप्यूटर से कैप बनती है उसको हम कैड कैम कहते हैं। यानी जो जिरकोनिया की कैप है, चाहे वो मोनोलिथ है चाहे लेयर्ड है, ये कैड कैम उसमें ज़रूर चाहिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो विनियर्स। विनियर्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को ढकना। अगर हम किसी कोई दांत गंदा है सुंदर नहीं दिख रहा और उसको हम ढकना चाहते हैं तो हम उसको विनियर से ढक सकते हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ के अंदर ध्यान से देखें तो एक बिल्कुल इस दांत फ्रंट वाले दांत को बिल्कुल ना के बराबर है ना, छोटा किया जाता है बिल्कुल हल्का हल्का, और ये भी बिल्कुल है ना पतली सी एक लेयर बन के आती है जिसको हम 0.5 mm ही मोटी होती है और बहुत ही फ्रेजाइल होती है। इसको ये लगाते लगाते चेक चेक करते वक्त भी टूट सकती है क्योंकि ये इतनी पतली बनी गई है। और फिर इस लेयर को उठा के अगर हम इस दांत के पीले दांत के ऊपर चिपका दें तो बिल्कुल नेचुरल अपीयरेंस आएगी, पता ही नहीं लगेगा यहाँ पे भी कोई दांत काला पड़ा हुआ था। तो विनियर्स कहते हैं, और विनियर्स ईमैक्स मटेरियल से बनते हैं। फिर आता है इनलेज और ओनलेज। इन का मतलब हो गया अंदर, ओन का मतलब हो गया ऊपर। क्राउन के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। तो मानो कोई रेस्टोरेशन है, रेस्टोरेशन का मतलब ये होगा कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ जो दांत के हिस्से को दोबारा बनाने में काम आती है उसको रेस्टोरेशन कहते हैं। यानी एक लैब से कोई फिलिंग अगर बन के आई जो दांत के अंदर घुस जाए तो उसको इनले, एक लैब से फिलिंग बन के आई जो दांत के ऊपर ही रखी जाए और फिर बाद में हम उसको चिपका दें उसको ओनले बोलते हैं। अब ये बनती कैसे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक टेक्नीशियन को, एक डॉक्टर है ना, इंप्रेशन ले के देगा। इंप्रेशन का मतलब ये हो गया, जैसे आप अगर आप फोटो खिंचवाने जाते थे पहले, तो पहले फोटोग्राफ आपकी फोटो खींचता था और एक नेगेटिव निकल गया आता था। इंप्रेशन का भी मतलब नेगेटिव है, मतलब कि किसी पेशेंट के दांत का नेगेटिव। अब ये दो तीन तरीके से मटेरियल से इंप्रेशन लिया जा सकता है। जो सबसे कॉमन है वो होता है एल्जिनेट। एल्जिनेट पाउडर में आता है और उसके अंदर पानी डालकर और मिलाकर हम उसको ऐसा आटे जैसा बना लेते हैं, फिर इसको ट्रे के अंदर डालेंगे और फिर मुंह में डाल के ऐसा इंप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। जो एल्जिनेट होता है ये मोस्ट कॉमन है, और क्यों है कॉमन, क्योंकि ये आसान है बनाने के अंदर और सबसे सस्ता होता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। जो नेक्स्ट इंप्रेशन हम ज़्यादातर ले सकते हैं वो रबर बेस इंप्रेशन मटेरियल से ले सकते हैं या सिलिकॉन मटेरियल से ले सकते हैं। अगर इसके अंदर आप देखते हैं तो ये इसमें दो आटे के गोले रखे हुए हैं, ब्लू कलर के, वाइट कलर के, और इन दोनों को आपस में मिक्स करके ये इस तरीके से हम इंप्रेशन ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इसका जो इंप्रेशन है वो एक्यूरेट आता है, लेकिन अपने कॉस्टली होने की वजह से ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। ये डॉक्टर सिर्फ कटिंग के केसेस में या किसी स्पेशल केसेस के अंदर ही इसको यूज़ करता है। जो रबर में इसका इंप्रेशन मटेरियल, इसका एक फ़ायदा ये और होता है कि ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत लंबी होती है। हम इसको सिर्फ पॉलिथीन में पैक करके लैब वाले को दे देते हैं और इससे वो कई सारी कास्ट भी निकाल सकता है, लेकिन एल्जिनेट में उसी वक्त स्टोन डालना पड़ता है और इसको पोर करना पड़ता है, नहीं तो जो एल्जिनेट का इंप्रेशन है ये खराब हो जाएगा। जो ये इंप्रेशन है ये दो तरीके का हो सकता है, प्राइमरी इंप्रेशन हो सकता है, सेकेंडरी इंप्रेशन हो सकता है। जैसे स्कूल में जाते थे, पहले प्राइमरी क्लास होती थी 1 से 5वीं तक, फिर सेकेंडरी, फिर 5वीं से 12वीं तक। तो जो ये प्राइमरी है यानी पहले जो आएगा, पहले का मतलब हम फिर दो इंप्रेशन क्यों लेंगे, कि पहले हम एक कच्चा इंप्रेशन लेंगे फिर पक्का इंप्रेशन लेंगे। कई बार हम डॉक्टर को एक बार में एक्यूरेट इंप्रेशन नहीं आता तो इस वजह से दो बार स्टेप में इंप्रेशन लेना पड़ता है। जो पहली बार स्टेप में इंप्रेशन लिया जाएगा उसको प्राइमरी इंप्रेशन कहते हैं, और जो दूसरी स्टेप में लिया जाएगा उसको सेकेंडरी इंप्रेशन कहते हैं। अगर अब इस इंप्रेशन के अंदर हम POP घोल के इसके अंदर डाल दें तो जो कास्ट आएगी उसको हम प्राइमरी कास्ट कहते हैं। अब ये देखिए, इसके अंदर पेशेंट के दांत बने हुए आ गए। अब जो ये दांत बने हुए हैं ये एग्जैक्ट हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका है किसी मुंह के अंदर जैसा सिनेरियो था, बिल्कुल सेम सिनेरियो हमें इस कास्ट के अंदर पता लग जाएगा। अब प्राइमरी कास्ट के दो फंक्शन हो सकते हैं, या तो डॉक्टर उसको लगा के चेक करे चरेगा कि भाई, वो स्टडी करेगा कि भाई अगर मानो कोई लॉन्ग केस है तो उसको जानना चाहेगा कि भाई मैंने ये केस को प्रोसीड कैसे करना है, कैसे ट्रीटमेंट को करना है। दूसरा फायदा ये हो सकता है इस सेकेंड प्राइमरी कास्ट का कि उसके ऊपर एक स्पेशल ट्रे बनाई जाए
जैसे ये ट्रे हमने ये जो इनने हाथ में होल्ड कर रखी है, ये कस्टम ट्रे है, मतलब कि ये बनी बनाई आती है और फिर इसके अंदर मटेरियल डाल के नाप ले लिया जाता है। अब ये हो सकता है किसी पेशेंट के लिए ज़्यादा बड़ी और हो सकता है किसी पेशेंट के लिए छोटी और एग्जैक्ट नाप ना आए, तो इसलिए कस्टम ट्रे बनाई जा सकती है इसके ऊपर ताकि एक एग्जैक्ट नाप लिया जा सके। अब मान लेते हैं कस्टम ट्रे से हमने अल्जिनेट डाल के नाप ले लिया और सेकेंडरी इंप्रेशन हमारे पास आ गया। सेकेंडरी इंप्रेशन को अगर हम पोर करेंगे तो उसको सेकेंडरी कास्ट कहेंगे। जो प्राइमरी कास्ट है उसके अंदर हम सस्ता स्टोन भी डाल सकते हैं, जैसे POP डाल सकते हैं हम या टाइप 2 स्टोन डाल सकते हैं, ताकि हमारा जो ये पर्पज है स्टडी करने का वो कस्टम ट्रे का पूरा हो जाए। जो सेकेंडरी कास्ट होती है उसके अंदर हम जो स्टोन की क्वालिटी है वो भी अच्छी डालते हैं, जैसे टाइप 3 टाइप 4 स्टोन को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इनकी डायमेंशन स्टेबिलिटी अच्छी होती है और ये मजबूत भी होते हैं। इस सेकेंडरी कास्ट के ऊपर ही कोई भी चीज़ बनाई जाएगी, जैसे इसके अंदर कोई एक RPD बना रखी है किसी ने, या कोई कैप बनानी है या ब्रिज बनाना है, वो भी हम सेकेंडरी कास्ट पे बनाएंगे, प्राइमरी कास्ट पे नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हम हो सकती है डाईपिन। डाईपिन का क्या मतलब है, मान लीजिए अब हमने इस कास्ट के ऊपर कैप बनानी है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम इस दांत को ही बाहर निकाल लें और बाहर कैप बना सकें तो कितना अच्छा होगा, हम उसको अच्छे से पॉलिश कर सकेंगे, चारों तरफ से देख सकेंगे उसकी फिटिंग अच्छी है या नहीं है। तो उस प्रोसीजर को करने के लिए ये ऐसी पिन पहले इस कास्ट के अंदर डाल दी जाती है, और फिर जैसे ये लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन से हमने ऐसे काट रखी है कास्ट को, ताकि ये जो कास्ट है ये ऐसे बाहर निकल जाएगी और उसके बाद हम इसके ऊपर कैप बना सकेंगे। इसका फ़ायदा बस यही है कि भाई इसके अंदर जो हम कैप बनाएंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी। फिर एक टर्म हो सकती है जॉ रिलेशन, ऑक्लूजल बाइट या वैक्स बाइट। अब जो ये ऊपर नीचे की कास्ट थी, अब ये एक्चुअल में कैसी बनती है, कैसे है ना माउथ के अंदर आर्टिकुलेट होती है, मतलब कि कैसे ऊपर के दांत और नीचे के दांत आपस के अंदर बंद होते हैं, इस चीज़ को हम जानने के लिए हमें जॉ रिलेशन या ऑक्लूजल बाइट या वैक्स बाइट जैसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अगर इस वाले दांत के अंदर, इस वाली फ़ोटो में देखें, ये ऊपर के टीथ हैं, ये लोअर के टीथ हैं, इसमें एक वैक्स रख दी गई है बीचों बीच और उसको पेशेंट को बंद करने के लिए कह दिया गया है। अब इसी वैक्स बाइट को हम कास्ट के बीच में रखेंगे और चेक कर लेंगे ये कैसे बंद होते हैं, ऐसे ही इस वाली फोटोग्राफ के अंदर भी ले रखे हैं। इन तीनों का मतलब, इन तीनों ही टर्म्स का मतलब ये है, ये पता लगाना ऊपर वाले जो दांत हैं नीचे वाले दांत से कैसे मिलते हैं। अब हमने ये पता लगा लिया कि ये जो वैक्स बाइट्स है कि भाई कैसे मिलते हैं, अब तो हम अब अगला नेक्स्ट रोल आता है आर्टिकुलेटर का। आर्टिकुलेटर का मतलब होता है, अब हमने ये ऊपर वाली कास्ट और लोअर कास्ट ऐसे मिला दी, अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, अब इसको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम चेक कर सकते हैं कि मुंह में दांत कैसे काम करते हैं, मतलब कि वो कैसे खाना चबाते हैं, और उसी हिसाब से हम अपना आगे का काम करेंगे, अपने कास्ट बना सकते हैं, या जैसे इसमें डेंचर बना रहे हैं या RPD बना रहे हैं, कुछ भी बनाना है हमें वो आर्टिकुलेशन के ऊपर हम बना सकते हैं, ताकि पेशेंट को खाना चबाने के अंदर बिल्कुल दिक्कत ना हो। जो ये छोटा सा आर्टिकुलेटर देख रहे हो आप, इसको डॉग बाइट आर्टिकुलेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म हो सकती है अबटमेंट, पॉन्टिक और कनेक्टर। अबटमेंट, अबटमेंट का मतलब हो गया वो दांत जिसके ऊपर कैप लगेगी। अब इसमें जो ये जो पीले रंग के जो दांत दिखा रखे हैं, ये इनके ऊपर कैप लगेगी तो ये हो गए अबटमेंट। वो नकली दांत जो रिप्लेस होंगे, अब ये वो जो दो दांत हैं ये नकली दांत हैं, मतलब कि यहाँ पे दांत है नहीं और नकली दांत हम दे रहे हैं, तो अगर मानो इनमें नंबर देते हैं हम 1, 2, 3, 4, यानी ये दो और जो तीन कैप हैं ये हो गई पॉन्टिक, जो नकली दांत प्रेजेंट नहीं है। कनेक्टर, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो तीन और चार जो दो दांत आपस में जुड़े होंगे इसको हम कनेक्टर कहेंगे, यहाँ से समझ गए। अबटमेंट जिसके ऊपर दांत लगेंगे, पॉन्टिक जो दो दांत मिसिंग है जो है नहीं जिनको हम वापस लगा रहे हैं उनको पॉन्टिक कहेंगे, कनेक्टर जैसे जिस चीज़ से वो दो दांत आपस में जुड़े होंगे। नेक्स्ट टर्म है कैंटीलीवर। कैंटीलीवर का मतलब है छज्जा, यानी अगर मान लो एक ही पिलर है और उसके पिलर के ऊपर ये ऐसे लगा दिया जाए तो इसको छज्जे कहेंगे। जैसे इस दांत के अंदर ये क्या हो गया, अबटमेंट हो गई, ये क्या हो गया, पॉन्टिक हो गया, और ये एक नॉर्मल कैप हो गई, तो इस कैप के भरोसे ये वाला जो दांत लटकाने को हम कैंटीलीवर कहेंगे। कैंटीलीवर अच्छा नहीं समझा जाता, उसका कारण क्या है कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पे हमने ऐसे कोई फोर्स लगाई
तो इस तरफ का हिस्सा उठेगा, तो इस कारण क्या होगा, ये वाला जो दांत है ये खराब हो जाएगा विद टाइम, तो इसलिए कैंटिलीवर को अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन किसी सिनेरियो के अंदर जहां ऑप्शन नहीं होती तो कई बार डॉक्टर इसको भी देता है। फिर आता है मैरीलैंड ब्रिज या बैकिंग वाले दांत, कई बार टेम्परेरी तौर पे या सिर्फ लेटरल इंसाइजर पे मैरीलैंड ब्रिजेस दिए जा सकते हैं। मैरीलैंड ब्रिज का मतलब हो गया एक दांत लगाना है और उसके साइड वाले दांतों के पंख लगा देते हैं और बाद में इन पंखों को साथ वाले दांतों से चिपका देते हैं। प्रॉपर भाषा में इसको मैरीलैंड कहते हैं, लेकिन आम भाषा में कई बार टेक्नीशियन इसको बैकिंग वाले दांत भी बोलते हैं। फिर आता है टूथ प्रिपरेशन। टूथ प्रिपरेशन का मतलब ये हो गया कैप के लिए दांत को छोटा करा जाता है, उसको हम टूथ प्रिपरेशन कहते हैं। अब एक इमेजिन करिए, कभी आपने देखा होगा कि ग्लास के अंदर ग्लास को धो के रखा गया, फिर आपस में उसको फंसा के रख दिया, लेकिन जब आप निकाल रहे हो तो वो ग्लास निकल ही नहीं रहा है। उसका कारण क्या है कि वो एक ग्लास और दूसरे ग्लास की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है और वो जब आपस में घुस जाता है तो एक ऐसी सील बना लेता है कि जिससे निकलता नहीं। कुछ ऐसा ही सिस्टम हमें दांत को भी छोटा करते वक्त करना होता है ताकि जब वो कैप उसके ऊपर लगे तो ऐसी फिटिंग हो जाए कि वो कैप निकले ही नहीं। अगर आप ग्लास को इमेजिन करें तो ये ग्लास लंबा होता है और नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से कम चौड़ा होता है, लेकिन और बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन हमें अपने दांत के अंदर भी बनाना होता है, ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं होता कि भाई ये नीचे ऊपर से चौड़ा है और ये ऐसा है। जैसे अब ये क्या हो गया, कटोरी जैसी बन गई। कभी आपने कटोरी के अंदर कटोरी फंसे देखा है? बहुत कम ही देखा होगा, रेयरली देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये टेपर दे दिया गया है, तो ये वाला जो इतना ज़्यादा टेपर दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी फिटिंग खराब हो गई है, अब ये उतनी अच्छा फिट नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू ग्लास। तो हमने ग्लास जैसा डिज़ाइन बनाना है, हमने कटोरी जैसा डिज़ाइन नहीं बनाना है। तो यानी हम अपनी जो दो दांत की दीवारें हैं उनको पैरेलल रखने की कोशिश करते हैं, पैरेलल मतलब बिल्कुल सीधी सीधी, और हल्का सा फिर टेपर दे दिया जाता है दांत को ये। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऊपर से पतला ना होके ये ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से पतला होता है, आप कैप बनवाते हो तो क्या ये कैप घुस पाएगी अगर ये ऊपर से चौड़ा है और नीचे से नहीं? तो वो नहीं घुस पाएगी। उसका कारण क्या है कि ये ऊपर से चौड़ा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे कई बार गलती हो जाती है दांत को कटिंग करते वक्त कि ये ऊपर से ज़्यादा चौड़ा है और अंदर से कम चौड़ा है, नीचे से ऊपर से ज़्यादा चौड़ा है नीचे से कम चौड़ा है, तो इस गलती को हम नाम देते हैं अंडर कट, और ये नहीं होनी चाहिए। अंडर कट का मतलब यही हो गया, ऊपर से चौड़ा नीचे से भीड़ा। अब कैप कैसे बन के आएगी कि भी जो कैप तो डलने के लिए तो ऊपर से सबसे ज़्यादा चौड़ी जितनी ही बनाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा हमने दांत बना दिया और कैप ऐसी बन के आई, तो जो ये डिस्टेंस रह जाएगा ये उस कैप को निकलने के का कारण बन जाएगा, तो ये अंडरकट प्रिपरेशन में नहीं होने चाहिए। तो इस अंडरकट का जो टर्म है हम इसको कई बार यूज़ करते हैं। मेटल ट्रायल, मेटल ट्रायल का क्या मतलब होता है, कई बार डॉक्टर ने ब्रिज बनाना है या बहुत सारे दांतों के अंदर, तो वो ट्रायल करना चाहता है कि जो ये मेटल पहले बनाया गया या कोपिंग जो पहले बनाई गई है वो प्रॉपर फिटिंग की है या नहीं है, कहीं से छोटी तो नहीं है या कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम मेटल ट्रायल बोलते हैं। इसको बनाते वक्त टेक्नीशियन उसको डॉक्टर को ये मेटल देगा, उसके अंदर डॉक्टर उसको डाल के देखेगा ताकि ये कमियां पता लग सके फाइनल काम को डिलीवर करने से पहले ही। फिर आता है मार्जिन, जहाँ पे कैप ख़त्म हो रही है, जहाँ से दांत चालू हो रहा है उसको हम मार्जिन कहते हैं। ये कई बार मार्जिन शॉर्ट रह सकता है, जैसे आप इस फोटोग्राफ के अंदर देखोगे, ये देख रहे हैं आप मसूड़े और कैप के बीच में ये डिस्टेंस होगा क्या, यहाँ पे आप खाना फंसेगा तो दांत में कीड़ा लगेगा और दिक्कत आएगी। तो जो ये शॉर्ट मार्जिन है इसको हम कहते हैं शॉर्ट मार्जिन। तो जो ये मेटल ट्रायल करा गया है तो वो इसी को ज़्यादातर चेक करने के लिए करा जाता है, कहीं से मार्जिन शॉर्ट तो नहीं है। अगर है तो वो कास्ट के ऊपर डॉक्टर मार्क कर देता है, भाई यहाँ से मार्जिन शॉर्ट है, इसको बढ़ा दो। एंड लास्ट आता है कॉन्टैक्ट्स एंड कंटूर। कंटूर का मतलब होता है गोलाकार। अब जैसे मानो ये पीछे का दांत है, आप ये देख रहे हैं ये गोलाई, इस गोलाई को कहते हैं कंटूर। जो ये गोलाई होती है ये भगवान ने एक बहुत अच्छे सिस्टम बना रखा है कि ये गोलाई इसलिए दे रखी है ताकि ये अपने आप ही दांत के आसपास खाना ना फंसे।
अगर ये गोलाई कम होगी या ज़्यादा होगी तो खाना फंसने की दिक्कत आएगी पेशेंट को। तो ये प्रॉपर कंटूर कहते हैं इसको, कि भाई ये पूरी गोलाई होनी चाहिए, प्रॉपर गोलाई होनी चाहिए। फिर आता है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स का मतलब होता है दो दांत आपस में ना जुड़े होते हैं ताकि खाना ना घुसे। अब देखिए इन दो दांत मैंने जो बनाए हैं इसके अंदर ये आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, होगा क्या जब यहाँ पे खाना ऐसे आएगा तो इसके अंदर घुस जाएगा और यहाँ पे मसूड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दो कैप या दो दांत ऐसे आपस में बिल्कुल टाइटली जुड़ी होनी चाहिए ताकि यहाँ पे कोई भी खाना ना घुसे, और इसको टाइट कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। अगर खाना नहीं घुसता तो उसको टाइट कॉन्टैक्ट कहेंगे, और अगर खाना घुस रहा है तो इसको कहेंगे लूज कॉन्टैक्ट। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ ये कुछ टर्म्स मैंने आपको क्लियर कर पाया हूँगा ताकि आपको भी लैब के साथ कन्वे करने के अंदर इजी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज़।